गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है 2 सितंबर और देखेंगे सारे करंट अफेयर्स साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इस वीडियो की पी फाइल के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी मैं अनअेडमिक पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अकेडमी का लर्निंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अनकेडमी प्रोफाइल के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दें तो उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर बनाए गए वीडियोज बिल्कुल फ्री में देखा

मैत्रीपाल सीरीसेना को सौंप दिए ठीक है किसको सौंप दिए श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाल सीरी सेना को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ने तो अब जो है तो बिम्स्टेक का नया प्रेसिडेंट कौन बन गया अध्यक्ष कौन बन गया श्रीलंका ठीक है अब यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ठीक है अब बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो एग्जाम इसकी स्थापना हुई थी 6 जून उन्नीस को 6 जून 1997 में स्थापना हुई थी और बिम्स्टेक का दोस्तों पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था पहला सम्मेलन हुआ था वो तो दो में बैंकॉक में हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और इससे पहले का हुआ था दो में म्यांमार की राजधानी नेपित्या में ठीक है तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा साथ ही अभी का कहाँ हुआ है अभी जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ तो आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो तो चौथा शिखर सम्मेलन जो तो संपन्न हो चुका है और इसमें जो तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भारत की तरफ से गए थे और सात जो सदस्य हैं इसमें उन्होंने भी इसके तहत भाग लिया था आपको बता दें कि इसके प्रभावी ढंग से चलाने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया गया है इसमें एक आपको फैक्ट बता देता हूँ जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली ने काठमांडू घोषणा का मसौदा प्रस्तुत किया जिसे सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है अब ये जो मसौदा प्रस्तुत किया इसके जो मेन पॉइंट है इस घोषणा के वो आप जान लीजिए एग्जाम में पूछा आ सकता है ठीक है तो पहला जो है वो ये है कि ने काठमांडू ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र की साझा समृद्धि के लिए आर्थिक एकीकरण के लिए एक प्रमुख मानदंड के रूप में बहुआयामी कनेक्टिविटी के महत्व को भी रेखांकित किया गया है और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ जो है तो व्यापार और निवेश के महत्व को भी उजागर किया गया है ठीक है और तीसरा पॉइंट क्या है कि बिमस्टेक नेताओं ने जो है आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की और जोर देकर कहा है कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य के लिए कोई भी औचित्य नहीं हो सकता और चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सदस्य राज्यों के बीच जो है तो ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक ग्रिड इंटर कनेक्शन की स्थापना की जाएगी ठीक है बिम्स्टेक ग्रिड इंटर कनेक्शन की स्थापना के लिए जो है तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और जो लास्ट पॉइंट है यह है कि श्रीलंका जो तो बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है आपको बता चुका हूँ ये इसके नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता की बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सीरीसेना को दे दी है यहाँ पर श्रीलंका की जो बरजान लेते थोड़ा श्रीलंका की जो राजधानी दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी श्रीलंका की हुए श्री जयवर्धि ने पूरा कोट्टे श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे और जो कॉमर्शियल राजधानी श्रीलंका की दोस्तों वो है कोलंबो यानी वाणिज्यिक राजधानी है कोलम्बो और श्रीलंका के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं वो रानिल विक्रम सिंह है ठीक है श्रीलंका के राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर कौन है रानिल विक्रम सिंह है जबकि राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाल सीरीसेना ठीक है मैत्रीपाल सीरीसेना जो है तो श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं यहाँ पे बात करें क्वेश्चन पूछा था कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम था तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था सिलोन और श्रीलंका की करेंसी क्या है श्रीलंकाई रुपया ठीक है चलिए थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं नेपाल की राजधानी है काठमांडू प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी पी आपको बता चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ठीक तो है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट याद रखिएगा नेपाल की विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ तो लुम्बनी में हुआ था जो कि नेपाल में है ठीक है लुम्बनी नेपाल में और नेपाल में एक प्रसिद्ध जगह है जनकपुर जनकपुर का नाम आपने सुना होगा नेपाल में स्थित है सीता माता का जन्म यहीं पे हुआ था जनकपुर में ठीक है चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका प्रेसिडेंट है अब्दुल हुसैन और पीएम है शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना तो ये जो मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको ये दो तीन पॉइंट ये एग्जाम में एस रेलवे एग्जाम में कई बार पूछ लेता चोटे -चोटे है छोटे छोटे पॉइंट है जीके के में जीके सेक्शन में तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप इसको जरूर नोट करके रिवीजन जरूर किया करिए रिवीजन करने से आपको कंट्रस्ट होगी चीजें एक बार पढ़ने से भूल जाएंगे आप सप्ताह में कम से कम तीन बार और महीने में पांच से छह बार रिवीजन जरूर किया करिए बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है पढ़ के भूल जाएंगे ठीक है दोस्तों चल इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्स शेयर करूँ तो वीडियो क्लास तक देखिएगा और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए हौसला बढ़ाने के लिए आज टारगेट रखते हैं तेरह हज़ार लाइक्स का तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल दो अठारह में अमित पंगाल ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है तो इसका राइट आंसर दोस्तों गोल्ड मेडल ठीक है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है ठीक है देखिए दोस्तों आपको बता दें एशियाई खेल में जो भारत के 22 वर्षीय मुक्केबाज हैं अमित पंघाल ने एशियाई खेलों में दो हज़ार अठारह में पुरुषों के उनचास किलोग्राम में फाइनल में दो हजार सोलह के ओलंपिक चैंपियन हसन बोआए दुस्मेटेब को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है कितने किलोग्राम में उनचास किलोग्राम में ठीक है पुरुषों के फोर्टी नाइन किलोग्राम फाइनल में दो हजार के ओलंपिक चैंपियन हसन बोआए दुस्मेटेव को हराया है किसको हराया है हसन बोआ दुस्मेटेव को और आपको बता दें कि अमित एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे जो इन्होंने फाइनल में जगह बनाई और इस वर्ष के शुरुआत में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था और आपको बता दें कि एशियाई खेल दो अठारह जो है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पोलेम्बेंग में हो रहे हैं ठीक है तो आपको कई बार बता चुका हूँ साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्ट आपको बता चुका हूँ कि एशियाई खेल दो सौ अठारह जो शुभंकर है वह भीन भीन काका और अतुंग भीन भीन काका और अतुंग है अब थोड़ा सा कुछ और आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ एशियन गेम्स रिलेटेड जो अभी हाल ही में हुआ है तो आपको बता दें कि अरपिंदर सिंह ने जो है तो एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप में 16.77 मीटर के प्रयास के साथ भारत के 48 वर्ष के लंबे इंतजार को समाप्त करने के बाद इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो अरपिंदर सिंह में ने भी ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है चलिए इसके अलावा आपको बता दें कि एशियाई खेल अठारा में ही मनजीत सिंह ने पुरुषों के 800 मीटर इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो मंजीत सिंह ने पुरुषों के 800 हंड्रेड मीटर मीटर में भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ठीक है तो ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एशियाई खेल अठारा में अमित पंगाल ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और इन्होंने फोर्टी किलोग्राम फाइनल में चैम्पियन हसन बॉय दुष्मेटेव को हराया है ठीक है और इससे पहले के एशियन गेम्स कहाँ हुआ था दोस्तों तो इससे पहले के एशियन गेम्स हुआ था दक्षिण कोरिया इंचियोन में 2014 का और जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होगा दोस्तों वो होगा चीन की राज चीन के शहर हांगजू में और चीन की राजधानी क्या है बीजिंग है ठीक है चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग ठीक है तो एशियाई खेल दो ठा रहा अमित पंघाल ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई खेलों में भारत के लिए ब्रिज इवेंट में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एशियाई खेलों में भारत के लिए ब्रिज इवेंट में पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है प्रणब वर्धन और शिवनाथ सरकार की जोड़ी ने यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हैं देखिए दोस्तों तो आपको बता दें कि भारत के साठ वर्षीय जो है प्रणब वर्धन और छप्पन वर्षीय शिवनाथ सरकार की पुरुषों की जोड़ी ने गोल्ड जीतने के साथ एशियाई खेलों में भारत के लिए ब्रिज इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीता है ठीक है इसके अलावा आपको बता दें दो संस्करण पहली बार एशियाई खेलों में कार्ड गेम को एक खेल के रूप में पेश किया गया है आपको बता दें कि इस इवेंट में चीन ने रजत पदक जीता है और आपको बता दें कि भारत जो है तो अभी तक कितना जीत चुका है आपको पूरी मैं लिस्ट बता देता हूं तो भारत अभी तक पदक तालिका में जो है तो आठवें नंबर पर है और गोल्ड पंद्रह गोल्ड जीत चुका है ट्वेंटी फोर सिल्वर और थर्टी ब्रॉन्ज और टोटल हो गए हैं सिक्सटी मेडल के साथ भारत आठवें नंबर पर है ठीक है यानी पंद्रह गोल्ड ट्वेंटी फाइव सिल्वर और थर्टी ब्रांज के साथ टोटल सिक्सटी मेडल और इस जो पदक तालिका में पहले टॉप पर है वो चाइना है 289 मेडल के साथ सेकंड नंबर पर है जापान अभी आज खेल का आखिरी दिन है तो आपको कल जो तो एशियाई खेल से रिलेटेड सारी वीडियो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी अगर तो स्वप्ना वर्मान की तो स्वपना बरमान ने अभी जो तो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हेप्थ एथलीट बन गई हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ठीक है ऑप्शन सी राइट है देखिए आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डाक विभाग के एक भुगतान बैंक का शुभारंभ किया है जो डाक घर के बेजोड़ नेटवर्क और लगभग तीन लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से बैंकिंग को हर नागरिक के दरवाजे पर लेगा ठीक है आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक की तरह होगा लेकिन इसका संचालन किसी भी क्रेडिट जोखिम के बिना छोटे पैमाने पर होगा और आपको बता दें कि जमा करने जैसे अधिकांश बैंकिंग परिचालन को पूरा करेगा लेकिन ऋण में क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा ठीक है और यहाँ पे बता दें दोस्तों जो आई पी 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 आई पी बी पी के जो प्रबंध निदेशक और सी हैं सुरेश कुमार सेठी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आई पी आई पी पी बी के जो वर्तमान प्रबंध निदेशक और सी ओ हैं सुरेश कुमार सेठी हैं तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आप सबको पता है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी राजनाथ सिंह गृहमंत्री वर्तमान में तो बहुत ईजी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भारत सरकार की इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में यानी सेक्रेटरी रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है बिनॉय कुमार को देखिए दोस्तों आपको बता दें कि बिनय कुमार ने जो तो भारत की इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और उन्हें मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था आपको बता दें कि इससे पहले बिनॉय कुमार ने वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव का जो है तो पद संभाला था ठीक है और यहाँ पर बात करें दोस्तों प्रदीप कुमार सिन्हा की तो प्रदीप कुमार सिन्हा जो है तो अभी इनको जो है तो ये कैबिनेट सचिव है वर्तमान में ठीक है वर्तमान भारत के कैबिनेट सचिव कौन है प्रदीप कुमार सिन्हा बात करें निपेंद्र मिश्रा की नीपेन्द्र मिश्रा वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं निपेंद्र मिश्रा चीफ सेक्रेटरी कौन है निपेंद्र मिश्रा बात करें यहाँ पे राजीव गौवा की दोस्तों तो राजीव गौवा जी वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं ठीक है होम सेक्रेटरी कौन है गृह राजीव गौवा और आपको कुछ और सचिव बता देता हूँ जो वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एडवाइज़र हैं अजीत कुमार डोवाल जी और विदेश सचिव जो है फॉरन सेक्रेटरी वर्तमान में हो विजय केशव गोखले ठीक है विजय केशव गोखले वर्तमान में भारत के जो है तो विदेश सचिव हैं जितने सचिव बता रहा हूँ याद रखिएगा इनकी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ठीक है तो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय में सचिव क्रू में कैसे नियुक्त किया गया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन है विनय कुमार को चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है तो दोस्तों चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीपद एसो नाइक देखिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत के आयुष राज्य मंत्री श्रीपद एसो नाइक ने नीदरलैंड में चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस को उद्घाटन किया है और आयुष मंत्री अंतर्राष्ट्रीय महर्षि आयुर्वेद फाउंडेशन नीदरलैंड अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस नई दिल्ली एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक का अकादमी पुणे द्वारा नीदरलैंड में भारतीय दूतावास के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित कांग्रेस में भाग लेने के लिए नीदरलैंड के दौरे पर हैं ठीक है थीके? तो चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है जो भारत के आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक यानी ऑप्शन सी राइट है आपको बता दें कि यह कांग्रेस जो है तो नीदरलैंड एवं यूरोप में उसके पड़ोसी देशों में आयुर्वेद के संवर्धन प्रचार पर केंद्रित है और भारतीय दूतावास द्वारा आयुर्वेद सहित स्वास्थ्य देखभाल में भारत नीदरलैंड सहयोग विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है और नीदरलैंड की बात करें तो राजधानी एम्स्टर्डम और करेंसी यह और यहाँ पे बात करें प्रकाश जावड़ेकर की प्रकाश जावड़ेकर जो वर्तमान भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी आप सबको बताया वर्तमान भारत की विदेश मंत्री हैं और अभी आपको बताया कि विदेश सचिव वर्तमान में विजय केशव गोखले ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कल का आंसर कल मैंने क्वेश्चन पूछा था चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हो गई है तो मैंने अभी आपको बताया इसका राइट आंसर था नेपाल की राजधानी काठमांडू में और अभी जो है तो श्रीलंका को नया अध्यक्ष बना दिया गया है ठीक है अब देख लेते हैं लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन दोस्तों आप सबको जो बताना है एशियाई खेल और अठारह में जिनसन जॉनसन ने पुरुषों के पंद्रह मीटर रेंज में कौन सा पदक जीता है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जो दे नहीं देखी जस्ट यहाँ पे प्ले होगी अभी यहाँ पर होगी इंड स्क्रीन में तो आप देख लीजिएगा ठीक है और मैं पूरे अगस्त का जो है तो एक अगस्त से लेकर इकतीस अगस्त तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनाया जस्ट यहाँ पे वो भी वीडियो भी आ जाएगी तो आप देख लीजिएगा ठीक है यहीं पे प्ले होगी तो आप देख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ यदि आप चैनल पर पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों आपका दिन शुभ हो जय हिंद वंदे मातरम